ही खूबसूरत है, आश्चर्य से भरपूर और रंगीन, जहां हर रंग और पहलू आकर्षक है। यहां अनुभव और ज्ञान की कोई कमी नहीं, बस सही अभिलाषा और सीखने का प्रयास जरूरी है। भारत माता की। इसी अभिलाषा के पंख लगाकर सतरंगी का कारवां इस हफ्ते आ पहुंचा है छत्तीसगढ़ में। सेंचुरी में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल नाम से जाना जाता था। प्रदेश का 40% हिस्सा फॉरेस्ट लैंड होने के साथ ही यहाँ के अधिकतर लोग आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ का ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस फॉर्म्स पीढ़ी दर पीढ़ी ट्राइबल कम्युनिटी में हिफाजत से रखा जाता है। यहाँ का लोक संगीत और लोक नृत्य कठिन आदिवासी जीवन धारा में मूल मनोरंजन का जरिया होने के साथ ही छत्तीसगढ़ के कल्चरल हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है। ट्राइबल म्यूजिक का मिजाज रिलीजियस और स्पिरिचुअल तो है ही, सदियों से राजनीतिक लोक मंच के लिए एक सशक्त आवाज भी है। छत्तीसगढ़ के लोक संगीत के इन्ही अलग अलग रंगों को छूने की कोशिश में हम निकल पड़े हैं प्रदेश की राजधानी रायपुर की ओर। मोरी आज भवानी। और यहाँ हम मिलेंगे सीमा कौशिक जी से। तू हिला मसूमी। वे प्रदेश की एक डिस्टिंक्ट म्यूजिक फॉर्म भरतरी की मशहूर गायिका है के बेटा रे। और साथ ही यहाँ के अनेकों लोक शैली का ज्ञान रखती हैं। ब्रह्मा के बेटा लोकगीत तो हृदय से निकलता है। जिसके पास अगर अच्छी आवाज है तो सिखाने की भी जरूरत नहीं है, सुन के भी गाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में जितने ज्यादा अगर पॉपुलर अगर गीत है तो पूरे समूह वाले गीत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर सबसे पहले तो भले एक गाथा है पंडवानी, लेकिन वो भी काफ़ी पॉपुलर है। दूसरा में पंथी है, तीसरा भरथरी है, नाचा गीत है, छत्तीसगढ़ में जाना जाता है नाचा गीत से। और सुआ हर छोटे छोटे गुड़िया और महिलाओं ने सुआ नाचते हैं सबके घर में जाके। आए नहीं खावे देवर बाबू करेला मुला करू लागे। भरथरी को यानी उज्जैनगढ़ के राजा का गाथा है। वो एक प्रकार के गीत नहीं है, वो एक गाथा है। उज्जैनगढ़ के राजा ए महाराजा ए ना, उज्जैनगढ़ के राजा ओखर नाम रहीस चंद्रसेन ये ना, बड़ा दानी रहीस बलिदानी रहीस। ओखर गीते लगा के सुनावत हूँ ये सुनावत हूँ भाई दीजी। तीज त्योहार गीते उस पर्व में भी गीत है जिसको कर्मा कहा जाता है। असली ते जोड़ी होते लोटा मा पानी लाते मोर छोला मारा दे पिया सा है वो। हे मोर माया मोर छोला मारा थे पिया सा है वो।
नवा सड़किया गड़ेला गिट्टी रे, तो राउत लोग गैया वैया चराने जा रहते हैं ना, उन लोग फिर उधर से आवाज़ देते हैं, ददरिया बोलते हैं इस गीत को। आवाज आई नहीं तो बनाए गाड़ी वाले के भेजा बे चिट्ठी करे आरो ले ले। बिजही के बेटा बिजही रे मोर, बिजही के बेटा ब्रह्मा, बिजही के बेटा बिजही रे मोर, बिजही के बेटा ब्रह्मा। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य भी उतना ही समृद्ध है जितना के यहाँ का लोक संगीत। एक ऐसा ही अनूठा फॉर्म है कलश नृत्य, और इसी डांस फॉर्म की खोज में हम पहुंचे हैं शिवनाथ नदी के किनारे बसे दुर्ग में। यहाँ हम मिलेंगे दीपशिखा श्रीवास से और जानेंगे कि वो कैसे बनाती हैं घड़ा और नृत्य का संतुलन। बाकी एरियाओं में बेटे के होने पर खुशी होते हैं, पर छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ बेटी होती तब खुशी मनाया जाता है। तो मतलब पहले के पुरोहित कहते थे, जो आज भी हम संभाल के रखना चाहते हैं और रखते हैं, कि उस घर जिस घर में मतलब बड़ी मतलब बेटी होती है, उस वहाँ के जो मामा होते हैं वो चैलेंज करते हैं कि बेटी होने पर खुशी मनाने जितना नृत्य कर सकते हो करो। तो मतलब वहाँ सिर पे घड़े लेकर डांस करते हैं, और जितना अधिक डांस करते हैं उतना ज़्यादा धान मतलब वगैरह वगैरह मामा के यहाँ से मिलता है भेंट में उनको। अच्छा, तो मतलब जितना कलश आप बढ़ाते जाएंगे हाँ उतना धान भरते जाएंगे। हाँ। अच्छा, ये इतिहास है इसका। हाँ। और इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये स्टार्टिंग इसका 3 से 3 घड़े से होता है, वो डांस होता है। शुरू में रुमाल लेट कर रुमाल उठाया जाता है, फिर स्टेप बाई बढ़ता है, फोर्थ आता है, फिर इसमें खोपरे होते हैं जिसमें चढ़ के डांस करना होता है, स्टेप बाई आता है, फिर 5 होता है जिसमें तलवार के ऊपर करने रहते हैं, जैसे 6, 7, 8 में डांस होता है। कितने साल की थी आप जब आपने पहली बार ये किया था, देखा था? जी मैं 7 साल की थी। तब आप कितने घड़े लेके डांस करती हैं? एक के साथ साथ मतलब कलसा भी बढ़ता गया स्टेप बाय स्टेप करके। और आज कितने कलसे हैं? आज 8 हैं। पीछे इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं और क्या अलग होता है? कुछ ताल होता है खास, क्या होता है इसमें? जी इसमें बैंजो होते हैं, हारमोनियम होते हैं, मंजीरा होता है और तबला होता है। अच्छा। इसमें अलग अलग रिदम होते हैं जो पीस को जोड़ के बनाया जाता है। इस बारे में सोच ही नहीं है, बस आगे बढ़ना है, इसीलिए जाना है। कितना आगे? बहुत आगे, जितना जा सकूं। और मम्मी पापा का सपोर्ट है इसके लिए? जी बिल्कुल। सतरंगी का सफर ऐसे ही अनगिनत आकर्षक रंगों से हैरान कर जाता है बार बार। इस बार जैसे कुणाल सिंह ध्रुव ने किया, जो हमें ऐसे ही सफर के एक मोड़ पे मिले। उनकी उम्र से उनके हुनर का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। तंबूरे की धुन पर सुनेंगे पांडवों की कहानी, मिलेंगे एक निडर आवाज से एक छोटे से ब्रेक के बाद।